हेलो दोस्तों, मैं हूं सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं सजीर बाइक गुरु। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो का टॉपिक है, हमारे पास आया है टीवीएस कंपनी का स्टार स्पोर्ट बाइक। और इस बाइक में एक्चुअली क्या हो रहा है, जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद जब गाड़ी को बंद करते हैं तो गाड़ी बंद नहीं हो रहा है। तो फिर क्या हुआ, एक मैकेनिक भाई ने काम किया है, इग्निशन स्विच नया डाला है, डालने के बाद भी गाड़ी में गाड़ी बंद हम लोग का नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इस गाड़ी को अभी हम लोग ठीक करेंगे और वीडियो के जरिए से आप लोगों को दिखाएंगे एक्चुअली बंद क्यों नहीं हो रहा है, और बंद अगर ना हो तो हम लोग कौन सा स्टेप हम लोग फॉलो करें जिसमें कि हम लोग को पता चले ये जो क्या फॉल्ट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को दिखाता हूँ बाइक को स्टार्ट करके बंद हो रहा है कि नहीं। चलिए स्टार्ट कीजिए। अरे चाबी बंद ही रखो ना, स्टार्ट तो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखो, गाड़ी अभी हम लोगों का स्टार्ट हो गया है, देखो, और इग्निशन बंद है। देखो हमने की खोल लिया हूँ और देखो। तो चलिए सबसे पहले प्रोसेस आप लोगों को दिखाते हैं, गाड़ी को बंद करेंगे, गियर में देखो, ब्रेक खींचो, वहाँ क्लच छोड़ेंगे, बंद। चलिए गाइस, सबसे पहला स्टेप जो है गाइस, हम लोग यहाँ चेकअप करेंगे इग्निशन स्विच में, एक हम लोग का ब्लैक में व्हाइट कलर की वायर है, तो हम लोग चेकअप करेंगे और बॉडी करेंगे कि हम लोग का काम कर रहा है कि नहीं। तो चलो एक वायर लाइए। तो ये हम लोग का इग्निशन स्विच में आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि दो कपलर। तो दो कपलर में आप लोगों को दिखाता हूँ, यह गाड़ी बंद करने के लिए और ये है हम लोगों का यानी कि एक्टिव वोल्टेज कट करने के लिए। तो हम लोगों का समस्या जो है इस कपलर पे है, यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा ब्लैक में व्हाइट और एक ब्लैक। चलो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से शॉर्ट करेंगे, कैसे मैं आपको बताता हूँ कि ब्लैक में जो व्हाइट कलर की वायर है और इसको हम लोग बॉडी करेंगे अलग से। गाड़ी को पहले स्टार्ट करो। अभी गाड़ी स्टार्ट है, कौन सा वायर में बंद हो रहा है मैं आपको बता दूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ से बंद हो रहा है, देखो यहाँ से बंद हो रहा है। चलो स्टार्ट मारो, अभी थोड़ा दूर करो, देखो बंद हो गया। तो यानी कि यहाँ से बंद हो रहा है, देखिए ये जो वायर है खाली ब्लैक कलर की वायर, ये हम लोगों का डायरेक्ट आते हैं CDI कॉयल से। अगर यहाँ से हम लोग का बंद नहीं होता तो हम क्या करते, CDI हम लोग का ख़राब भी हो सकता है, वायरिंग भी ख़राब हो सकता है। यहाँ से बंद हो रहा है, डायरेक्ट CDI को लॉक कर पा रहा है। अब हम लोग को देखना है, ये जो ब्लैक में व्हाइट कलर की वायर है, ये हम लोग का ग्राउंड प्रोवाइड करेगा, ग्राउंड को दोनों शॉर्ट करेगा इग्निशन स्विच। तो यहाँ हम लोग का ग्राउंड आ रहा है कि नहीं वही देखेंगे, मल्टीमीटर लाइए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वायर पर हम लोग को ग्राउंड प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, तभी हम लोग का काम बनेगा। मल्टीमीटर को कंटिन्यू में कीजिए, एक वायर यहाँ शिफ्ट करेंगे और एक वायर बॉडी कहीं भी अटैच करेंगे, मल्टीमीटर बीप बजना चाहिए। तो फ्रेंड्स बीप बज रहा है, थोड़ा लूज कर रहा है, दूसरे जगह से लेंगे। यहाँ से हम लोग का बीप बज रहा है, यानी कि काम हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों वायर को शॉर्ट करेंगे, दोनों वायर से हम लोग को काम बन रहा है कि नहीं। मारतूल दीजिए, मारतूल। तो यहाँ से बंद हो रहा है, तो यहाँ से बंद हो रहा है ना, होल्ड है हम लोग का स्विच पर। हम लोग स्विच का कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, एक एक करके वायर अटैच करेंगे। चलो ओपन करो। तो फ्रेंड्स लोचा इसके अंदर है, स्विच के अंदर। मैं देखता हूँ इग्निशन स्विच लाया है और कपलर मुझे पुराना दिख रहा है, ठीक है। तो समस्या जो है इसके अंदर है, वायर खोलो और स्विच भी नया लगाया है लेकिन कपलर मुझे पुराना लग रहा है। चलो इसको ओपन करो। ये जो स्विच है नया है और ये जो कंटेक्टर है ना पुराना है, जिसके पास से ये दुकानदार से लिया है ना, उसका कपलर शायद एक कपलर था और इसमें जो पुरानी वाली जो कंटेक्टर है इसमें दो कपलर है, तो लोचा इसके अंदर है। उन्होंने शायद सोचा कि मैं इस कपलर को लगा देंगे और गाड़ी हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन दिक्कत इसी के अंदर है और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसी को रिपेयर करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे एक्चुअली 100% काम करेगा और वर्क करेगा। चलिए मैं आपको तरीका बताता हूँ, जो गलती इन मैकेनिक भाई ने किया है वो गलती आप लोग कभी भी मत करो। इसका प्रॉब्लम पहले आप लोग चेकअप करो, जो कंडक्टर में है या स्विच में है। स्विच में इसके अंदर नहीं था, इस कंडक्टर के अंदर है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, ये भी लगता है नया डाला है सीट।
पतला स्क्रू ड्राइवर, ये वाला भी कंडक्टर लगता है नया है, सिर्फ ढक्कन पुराना है। तो फ्रेंड्स मैंने खोल के देखा, इसका जो कंडक्टर है ना, इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा दो सिस्टम था, यानी कि स्प्रिंग से यहाँ से था और यहाँ था। तो ये जो हम लोग का बोर्ड कनेक्शन होता है, ये सिर्फ ये जो कंडक्टर में आप लोग दिख रहा है ना, चार कनेक्टर है, 1 2 3 4। तो ये जो दोनों है गाड़ी बंद करने के लिए है, और ये दोनों है बैटरी का वोल्टेज को कट करने के लिए है। बट इसके अंदर यानी कि ई सिस्टम नहीं है, गाड़ी बंद करने का वाला सिस्टम यहाँ नहीं है, क्योंकि बीच पर भी एक हम लोग का यहाँ पत्ती होता है और स्प्रिंग होता है, नहीं है, इसीलिए ये कनेक्टर नहीं होगा। तो क्या किया मेरे पास, एक फ्रेंड के पास से मैंने लाया पुरानी लॉक से खोलकर, और इसके अंदर अटैच करेंगे और काम कर रहा है कि नहीं, पहले नाट लगा देंगे उसके बाद देखेंगे जो टकाटक काम कर रहा है कि नहीं। आएंगे चलो गाड़ी को स्टार्ट करो, गाड़ी स्टार्ट है बंद, देखो गाड़ी बंद हो गया है, चलो स्टार्ट करो। बंद, तो यानी कि समस्या जो था स्विच के अंदर ही था। तो चलो कुछ आप लोगों को इम्पोर्टेंट डिटेल्स दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो गाड़ी है ओल्ड मॉडल है, इसमें चार वायर है, और ये जो स्विच लगाया था मैकेनिक भाई ने, दो वायर वाला स्विच लगाया था। दो वायर वाला स्विच में हम लोग का बैटरी का वोल्ट कट होता है, और चार वायर जो होता है उसमें हम लोग का ओल्ड मॉडल बाइक में यानी कि सिस्टम दिया गया है। एक गाड़ी को बंद करने के लिए दो वायर की ज़रूरत होता है, और दो वायर होता है बैटरी के वोल्टेज को कट करने के लिए। तो शायद कुछ तो गलती हुआ है, ऐसा हुआ है। तो आप लोगों के पास जब भी इस तरह का लॉकेट आप लोग लगाते हैं, तो आप लोग जो चार वायर वाला अगर कपलर रहे तो चार वायर वाला कपलर वाला ही जैक लगाइए, चाबी का स्विच लगाइए, तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर इस तरह का आप लोग सिंगल वाला लगा लेंगे तो आप लोग का काम नहीं बनेगा। आप लोग सोचते हैं सिंगल वाला कनेक्ट स्विच ले लेंगे और उसका नीचे का जो कंडक्टर है वो लगा देंगे, तो कुछ लोचा हो जाएगा और सेटिंग सही से नहीं होगा। तो आप लोग अपना हिसाब से काम कर सकते हैं, मैंने जो बताया। तो फ्रेंड्स ये था छोटा सा वीडियो, आप लोग को शायद अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ से हम वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।